दोस्तों आज इंडिया के अंदर है ना बहुत सारी कंपनियां भी आ गई हैं, लेकिन जो अपनी वैल्यू मारुति ने बनाई है उससे तगड़ी वैल्यू कोई सी भी कार की नहीं है। मैं आपका होस्ट रविंदर माथुर, आज मैं आपको मारुति ब्रिजा के बारे में जो कि पेट्रोल में लॉन्च हुई थी उसका रिव्यू देता हूँ। जो जिन लोगों ने पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं ना इस गाड़ी को, उनका रिव्यू आज मैं आपको बताता हूँ। आज आप आइए, आप मैं आपको दिखाता हूँ मारुति ब्रिजा। देखने में गाड़ी कितनी शानदार लग रही है, आप देखिए जो बेस मॉडल है उसके अंदर ही मारुति ने कितने फीचर दे रखे हैं। ये देखिए इसमें LED लाइट दे रखी है, फॉग लैंप दे रखे हैं, क्रोम वाली ग्रिल दे रखी है, और आगे से ना बिल्कुल बंकी लुक आती है। बहुत बेहतरीन SUV टाइप में गाड़ी को मारुति ने पेश किया। दोस्तों आप देख रहे होंगे ब्रिजा वाकई में बहुत बेहतरीन गाड़ी है। आप इसको देखिए साइड से कितनी अच्छी लग रही है। इसमें जो कंपनी की तरफ से ही जो व्हील कैप आए हुए हैं वही डले हुए हैं, इन्होंने बाहर से कोई ज़्यादा काम नहीं करवाया है, सिंपल सोबर रखा गाड़ी को। जैसी कि जैसी बाहर वो कंपनी से आती है ना गाड़ी बिल्कुल वैसे ही है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल जो कंपनी ने क्रोम दे रखी है, बम्पर गार्ड दे रखे हैं वही के वही हैं। इन्होंने लाइटों में बस ये फोग लाइट ही अलग से करवाई है। आइए दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ इस ब्रिजा के जो ओनर है, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, अपने बारे में बताइए और गाड़ी के बारे में, आप ब्रिजा को ही क्यों पसंद किया? मेरा नाम सनी सोलंकी है और ब्रिजा लेने का कारण सिर्फ इसकी एक लुक थी, अंडर बजट में गाड़ी थी, और जो सबसे मेन कारण था वो था कि 4 सिलेंडर इंजन 1500 CC 1500 CC का 4 सिलेंडर इंजन, ये सेगमेंट में सबसे टॉप कर थी। मेरे को गाड़ी लेनी थी पेट्रोल में, तो पेट्रोल गाड़ी लेने में मेरे पास ऑप्शन था वेन्यू का, नेक्सॉन का। वेन्यू में 1200 CC का इंजन आता था, टर्बो वाला इंजन मेरे को चाहिए नहीं था, और नेक्सॉन में 3 सिलेंडर इंजन था। नेक्सॉन इसके लेवल की अच्छी गाड़ी, इससे प्लस ही पड़ती है, लेकिन वो 3 सिलेंडर के कारण हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब 4 सिलेंडर में पावर ही अलग महसूस होती है। हाँ जी, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड होने के कारण इसकी पावर ज़बरदस्त है। और अगर आप ये बोलो कि भाई टर्बो, टर्बो का सीन ही बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर नेचुरल इंजन की बात की जाए तो 1500 CC जस्टिफाई करता है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के अपने मित्र से रिव्यू लेते हैं। गाड़ी में नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है, पता भी नहीं लग रहा है पेट्रोल में कि भाई गाड़ी स्टार्ट या नहीं है। ये अभी थोड़ी टाइम के लिए RPM बढ़े होते हैं इसके, अब जैसे ही रिलैक्स होगी तो आवाज बिल्कुल है ही नहीं, एकदम रिफाइन इंजन है। आप मेरे को ये बताइए बेस वेरिएंट लेने का आपका क्या कारण था? एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं बजट देख रहा था, उसके बाद में बेस वेरिएंट में ही मुझे जो बेसिक सारी सुविधा मिल रही थी, जैसे पावर विंडो हुई, इसमें स्टीरियो लगा हुआ आया था, मेरे को इसी तरीके का स्टीरियो चाहिए था, टच वगैरह वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को जो मतलब सुविधा मैं इससे पहले मारुति की डिजायर चला रहा था उसमें ये सारी सुविधाएं मेरे पास थी, तो मैं उसी में अपग्रेड करना चाह रहा था। मेरे को कोई ज्यादा नया फंक्शन नहीं चाहिए था, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो मारुति इस बेस वेरिएंट में ही प्रोवाइड कर रही थी, तो इसी के लिए मैंने अपना बेस वेरिएंट सिलेक्ट किया था। और मैंने सुना कि मारुति ब्रिजा पेट्रोल में एवरेज नहीं देती है, आप क्या कहते हैं, आप कितने की एवरेज पेट्रोल निकाल लेते में अगर इस तरह की गाड़ी 14 तक की एवरेज दे तो मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ। ये सिटी में 13-14 की एवरेज दे देती है, और अगर आप हाईवे की बात करो तो 17-18 तक की एवरेज हमें हाईवे पे मिल जाती है। ये तो एवरेज तो आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी दे रही है। जी सर, जी सर, मारुति एवरेज के लिए ही फेमस है। आपको 1500 CC जो मारुति का ये इंजन है ये अंडर पावर तो नहीं लगता? सर अगर बात की जाए आप डीजल इंजन से इसका कंपेयर करोगे तो ये कहीं भी नहीं टिकेगा, क्योंकि डीजल इंजन ज्यादातर टर्बो के साथ आते हैं, ये नेचुरल इंजन है, तो उस हिसाब से 1500 CC जस्टिफाई करता है, बहुत अच्छी पावर है, और हम जिस तरह से गाड़ी को चलाते हैं तो हमें ठीक ठाक पावर ये डिलीवर करता है।
और मैंने एक चीज और नोट की है कि बेस मॉडल में पीछे ये हैंड रेस्ट नहीं आते हैं। जी सर, जी ये सर, आपने आफ्टर मार्केट करवाई? जी सर, जी सर, मैंने इस गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करवाई हुई है जो कि जो कंपनी की है वही मॉडिफिकेशन है। इसमें आर्म रेस्ट वगैरह, हेड रेस्ट और जो बेसिक बेसिक चीजें थी जैसे रूफ लाइट हुई, ये सारी, और आर्म रेस्ट है आगे का, ये बेसिक बेसिक जो भी मॉडिफिकेशन थी मैंने वो सब करवाई हुई है। आपने तो गाड़ी को बिल्कुल बेस से टॉप बना रखा है। जी सर, अंदर से तो कोई यूं बता ही नहीं सकता कि भाई गाड़ी बेस है या टॉप है, टॉप वाली फीलिंग आती है। एक्चुअल में सर जो LXi और VXi के बीच का डिफरेंस था वो 1 लाख से ऊपर था, 1 लाख प्लस का डिफरेंस था, लेकिन 1 लाख रुपए मैं अगर इसमें लगाता हूँ तो मेरे को जो सुविधाएं मिलती है वो VXi नहीं ZXi प्लस की सुविधाएं मिलती है, तो इसलिए मैंने ये बेस मॉडल ही लेना बेस्ट समझा कि भाई बेस मॉडल ले लेते हैं, इसमें जो थोड़ा पैसा लगाना होगा वो लगा के जो सुविधा हमें चाहिए वो हम अपना ऐड कर लेंगे और गाड़ी को अपने बेस्ट बना लेंगे, तो वही हमने किया। और आप ये और बताइए कि भाई जो हमारी YouTube फैमिली है उनको आप ब्रीजा के लिए प्रीफर करोगे या नहीं करोगे? सर अभी जो इसका नई ये मॉडल तो आता नहीं है, अभी नया लॉन्च हो चुका है और उसमें भी प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो मेन मुद्दा बजट का ही हो गया कि भाई जिसका बजट है, और उसमें अब ये स्टीरियो वगैरह और बहुत सारी चीजें उन्होंने कंपनी ने कॉस्ट कटिंग भी कर दी है, तो बजट के हिसाब से है क्योंकि अब सेगमेंट में और भी कई गाड़ियां आ गई है, लेकिन इस गाड़ी का कोई अब तक मुकाबला नहीं था क्योंकि ये प्राइस में भी जस्टिफाई करती थी अपने आप को और जो बेस वेरिएंट था उसमें भी ये अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, तो अगर इस मॉडल की पर्टिकुलर मॉडल की बात की जाए तो हम इसको तो रिकमेंड करेंगे। नई का मुझे कोई इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि वो मेरे को लुक भी उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती। अब बाकी इंजन के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो मारुति का 1500cc का इंजन सबसे बेस्ट है, रिफाइंड इंजन है और पावरफुल इंजन इसको बोल सकते हो। और आप ये और बताइए मेरे को कि जो इसकी सर्विस कॉस्ट आती है वो कैसी? जी सर, आपकी जेब के ऊपर ज्यादा असर तो नहीं डालती क्या? जी सर, है आपका रिव्यू उसके बारे में बताइए। सर सर्विस कॉस्ट अगर आप कंपनी से खाली तेल पानी चेंज करवाते तो इतनी कोई ज्यादा सर्विस इसका मतलब जेब पर इतनी भारी नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर वालों को फ्री हैंड छोड़ दोगे कि भाई आप सर्विस कर दो जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, तो सर इसकी सर्विस 10,000 प्लस ही वो बढ़ा देते हैं, मतलब खींच देते हैं उस सर्विस को, अननेसेसरी चीजें भी ऐड कर देते हैं। तो मारुति में अगर सर्विस करवाने जाते हो मैं तो आपकी यूट्यूब फैमिली को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें खोल के रखें और पहले ही रिसर्च करके जाएं कि भाई क्या चेंज करवाना है और क्या नहीं, उसी हिसाब से आप सर्विस करवाएं, तो सर्विस कॉस्ट अंडर पॉकेट ही रहती है, अंडर बजट रहती है, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ठीक है सन्नी जी, आपसे फिर मुलाकात करते हैं।